आज मेरा टॉपिक है लगातार अमल, मुसलसल अमल। पुराने ज़माने में चीन के शुमाली इलाका में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसके मकान की सिमत जनूब की तरफ थी। इस बूढ़े आदमी की मुश्किल ये थी कि इसके दरवाजे के सामने दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। इन पहाड़ों की वजह से सूरज की रोशनी इसके घर तक नहीं पहुँचती थी। एक दिन इस बूढ़े आदमी ने अपने जवान बेटों को बुलाया और कहा कि आओ हम इस पहाड़ को खोदकर यहाँ से हटा दें ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। बूढ़े आदमी की पड़ोसी को ये मंसूबा मालूम हुआ तो वो इस पर हंसा। इसने इस बूढ़े आदमी को कहा, मैं जानता था कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो, लेकिन ये मालूम ना था कि इतने ना समझोगे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपनी खुदाई से इन ऊँचे पहाड़ों को हटा दो? बूढ़े आदमी ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं मर गया इसके बाद मेरे बेटे इसे खोदेंगे और इनके मरने के बाद इनके बेटे। इस तरह खुदाई का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। जैसे कि मालूम है कि पहाड़ आइंदा और ज़्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे, हर मजीद खुदाई इनके हुजम को कम करती जाएगी। इस तरह आज के दिन नहीं तो किसी अगले दिन ये मुसीबत हमारे घर से दूर हो जाएगी। ये कहानी बहुत खूबसूरती के साथ बता रही है कि बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा बड़ा मंसूबा दरकार होता है। अगर आप इस दुनिया में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी होगी और इन तमाम डिमांड्स को पूरा करना चाहिए जो एक बड़े मंसूबे को मुसलसल चलाने के लिए ज़रूरी है। मसाइल के मुकाबले में उनके हल की ताकत ज़्यादा होती है। मसला हमेशा महदूद होता है जबकि उनके हल हमेशा लामहदूद होते हैं। अगर आप हल के प्लान को नस्ल दर नस्ल चला सकें तो आप हर पहाड़ को काट सकते हैं और हर दरिया को पार कर सकते हैं। जो शख्स मुसलसल अमल करने के लिए तैयार हो उसके लिए कोई पहाड़ नहीं और कोई दरिया नहीं। दुनिया में कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो सवाए मौत के। हम इंसान ही एक मसले को सर पर सवार कर लेते हैं और एक छोटे से मसले को बड़ा बना देते हैं जिसके हल हज़ार थे। इसलिए किसी मसले को इतना बड़ा ना समझा जाए बल्कि उसके हल पर ध्यान दिया जाए तो उस मसले से बआसानी निकला जा सकता है।